दोस्तों आज मैं बहुत सारी कमाल का टेक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, देखते रहिए अंत तक। दोस्तों जैसे कि ईएमआई 9.1 के बारे में बताऊंगा और ईएमआई 9.1 के बाद ही फ्यूचर ओएस ऑनर का बहुत सारी फोन में आने वाला है और कौन कौन सा फोन में यह आने वाला है और कब आने वाला है ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ पिक्सेल 3 XL जो डिवाइस लॉन्च होने जा रहा है, कब लॉन्च होगा, कितना प्राइस में होगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आएगा ये भी आपको बताऊंगा डिटेल्स में और दिखाऊंगा भी। और जो जो दोस्त ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछा है जिसका आंसर मैं राइटिंग फॉर्मेट दे नहीं पाया, उसका आंसर मैं आज देने वाला हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक न्यूज है जो आपको जानना जरूरी है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, देखते रहिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। पहला आपका बहुत ही चाहिदा क्वेश्चन है, ईएमआई 9.1 कौन कौन डिवाइस में आने वाला है, कब आने वाला है। दोस्तों इसके लिए अलग वीडियो तो मैं डाला ही हूं, लेकिन अभी जो न्यूज निकल के आते हैं 49 डिवाइस में ये सपोर्टेड है अभी, और भी कुछ डिवाइस जोड़ने वाला है। लिस्ट आपका इधर आपको मिल जाएगा, इस लिस्ट में आपका डिवाइस भी है तो जरूर बताना मुझे कमेंट में, तो मुझे खुशी मिलेगी। और ईएमआई 9.1 के साथ क्या क्या फीचर्स आने वाला है मैं मेल कर चुका हूं, इसका फीडबैक भी आ चुका है, कुछ कुछ फीचर्स अभी कंफर्म हो चुका है। अभी इसका बीटा प्रोजेक्ट रन होने वाला है बहुत सारे डिवाइस में, तो बीटा ज्वाइन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चाहे तो उधर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं आपका डिवाइस अभी बीटा अवेलेबल है कि नहीं। दोस्तों आपका डिवाइस अवेलेबल हो तो मैं सबसे आगे आपको बताऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब बटन इधर दिया हुआ है, हम लोगों के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट चाहिदा क्वेश्चन है किरिन 970 किरिन 980 में आपको फ्यूसा ओएस नेक्स्ट जनरेशन गूगल का ओएस मिलने वाला है, तो कब मिलने वाला है, इसका जो फ्राइडे इसका स्क्रीनशॉट आपको सामने में है, इसका जो बिल्ड है इसका जो प्रोजेक्ट है खत्म हो चुका है, लेकिन इसका और भी डेवलपमेंट बाकी है। ये क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आने वाला है, कौन कौन डिवाइस में आ सकता है, इसको जानने को लिए डिटेल्स में बताऊंगा, इस वीडियो को लिंक को क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज निकल के आते हैं ऑनर के तरफ से ही, ऑनर के बहुत सारे डिवाइस में ईएमआई 9 अपडेट मिल गया, लेकिन ईएमआई 9 आने के पहले उसका जो परफॉर्मेंस था वो घट गया है, तो क्या करे, बूटलोडर को अनलॉक करे, रूट करे, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला लिंक को क्लिक कर लीजिए, अब तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको कंप्यूटर में 4GB तक डेटा आपको चाहिए होता है जो हाई स्पीड होना चाहिए, तो इसको लगा लीजिए, इस प्रोसेस में आपको अपग्रेड हो जाएगा और इस प्रोसेस में आपको डाउनग्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म, और जब चाहे आप अपडेट कर लेना OTA के जरिए हो जाएगा। और कमिंग ईएमआई 9.1 बहुत सारी डिवाइस में आने वाला है और बहुत सारी बग फिक्स होने वाला है, बहुत सारी फीचर्स आने वाला है, जो जो डिवाइस में अभी मिल रहे हैं P30 Pro P20 Pro में भी अभी आ रहे हैं, तो क्या क्या आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट इसका चेंज लॉग इधर है ये देख सकते हैं, और क्या क्या हम लोग को चाहिए इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया, इसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं, तो इस वीडियो को क्लिक करना मत भूलिए और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि आपका पूरा व्यू और आपका लाइक से ही इसको ऑनर के पास पहुंच सकता है और हम लोगों को चाहत पूरी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं, टिकटॉक बैन हो चुका है लेकिन बहुत सारी दोस्त अभी भी टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के पास दरखास्त करना चाहूंगा, अभी जो सिचुएशन है इसको समझने के लिए ऊपर वाला लिंक को क्लिक कर लीजिए, और टिकटॉक को इस्तेमाल करना जरूरी है आप लोगों के लिए तो जरूर VPN इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको लिए खतरा कम है और कोई भी अदर सोर्स से आप टिकटॉक एप्लीकेशन को आपका फोन में डाउनलोड मत कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट निकाल के आते हैं, अभी मतदान का मौसम है, चुनाव का मौसम है, तो सबसे अच्छा वोट डालने का जो तरीका है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये है VVPAT, और इस VVPAT का मतलब है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोट डालने को बाद आपको इस मशीन में, ये अनोखा मशीन है जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रार्थी को, किस कैंडिडेट को आपने वोट डाला है, तो ये एक अनोखा आविष्कार है, लेकिन मेरे माइंड में इससे बेहतर एक आइडिया है, इस आइडिया को सुनिए और अच्छा लगा तो जरूर बताना मुझे कमेंट में ये आइडिया कैसा है। दोस्तों मेरा जो आइडिया है तो ये चुनाव कोई एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS का जो एप्लीकेशन है इस iOS के माध्यम से हो, और आपका जो लोकेशन है ये करंट टाइम लोकेशन में हो, और फिंगरप्रिंट
इसके अलावा आपका जो आंखों है इसका रेटिना डिटेक्शन के बाद हो और इस जो चुनाव प्रोसेस है ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म हो जाए तो ये जो सारी दुर्घटनाएं है ये जो सारी समस्याएं है ये जड़ से मिट सकता है। नेक्स्ट अपडेट निकाल के आते हैं पिक्सेल 3A और पिक्सेल 3XL। इसको जो स्पेसिफिकेशन है ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। पिक्सेल 3A पिक्सेल 3XL ये जल्दी लॉन्च होने वाला है और ये एवेंजर सीरीज भी इसके साथ ही साथ लॉन्च होने वाला है। दोस्तों इस पिक्सेल डिवाइस का खास है ये एंड्रॉइड दुनिया का एप्पल है क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन दिया जाता है इसी के साथ जो हार्डवेयर कॉम्बिनेशन दिया जाता है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही हाई क्वालिटी है तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये जो पिक्सेल 3A आ रहे हैं ये स्नैपड्रैगन का मिड रेंज प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। स्नैपड्रैगन का 660 इसके साथ आने वाला है और पिक्सेल 3XL जो आने वाला है ये आने वाला है स्नैपड्रैगन 712 के साथ और इसका लुक कैसा होने वाला है ये आपको बहुत ही जानना जरूरी है। दोस्तों इसका लुक आपको सामने में है और इसका जो कैमरा है 12.2 MP का और इसका जो फ्रंट कैमरा है 8 MP और 5 MP का जो कैमरा है ये सेम ही दिया जाए जैसे कि आपको पिक्सेल 3 और पिक्सेल 3XL में मिल गया था। नेक्स्ट अपडेट निकाल के आते हैं 7nm चिपसेट आने वाला है और ये तीनों प्रोसेसर मेकर ही काम कर रहे हैं, जल्दी ये लॉन्च होने वाला है और ये सारी होगा मिड रेंज। और नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं सैमसंग के तरफ से, सैमसंग ने लॉन्च करने जा रहा है दो छोटा फोन। ये वन हैंड यूजर के लिए और भी खास है क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले को साथ छोटा डिस्प्ले मिल जाएगा 5.7 इंच जो रेगुलर 5.2 इंच डिस्प्ले का एस सेम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक जो मॉडल है A10e और अलग जो मॉडल है A70e और ये फोन सही प्राइस में आया तो चारों तरफ आग लगा देगा अलग A सीरीज मॉडल के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट निकाल के आते हैं MIUI 11, ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, बीटा प्रोजेक्ट इसका लॉन्च होने वाला है और बहुत सारे डिवाइस भी इधर इंक्लूडेड होने वाला है जो इसका लिस्ट इधर है लेकिन बहुत सारी डिवाइस ऐसी है जिसमें MIUI 11 नहीं आएगा और ये पाई अपडेट भी MIUI 10 के साथ नहीं भी आ सकता और जिसमें MIUI 11 मिलेगा MIUI 10 का पाई अपडेट मिलने वाला है इसमें एक ही खामियां है MIUI में जो इसमें ऐड देखने को मिलता है और ये बात नजरअंदाज किया जाए इसको छोड़ दिया जाए तो MIUI बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी फीचर्स को साथ साथ सिक्योर्ड भी है और यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली भी है लेकिन ये जो एड देखने को मिलता है इसको बंद करने के लिए आपको क्या किया जाए, ऊपर वाला लिंक को क्लिक करके इस वीडियो छोटा वीडियो है इसको देख लीजिए तो आपको MI फोन में कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकाल के आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट जो अपडेट आएगा इस अपडेट को साथ एक फीचर ऐड होने वाला है जैसे कि आपको यूनिवर्सल सीरियल बस कोई भी USB को लगाने को बाद आपको खोलने वक्त आपको सेफ रिमूवल जो नोटिस आता था उसको ना मानने को बाद उसको स्किप करने को बाद आपका USB डैमेज भी हो सकता था लेकिन अभी ये नहीं होगा, इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं और ये अंदर ही अंदर सिस्टेमिक कर लेगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं लिनोवो की तरफ से, लिनोवो Z6 Pro लॉन्च होने वाला है जो 100 MP कैमरा को सपोर्ट करने वाला है। कैमरा सैंपल आपको सामने में है, स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा जो 7nm चिपसेट है, इसका बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और ये 5G फोन आएगा 30,000 के नीचे और ये आएगा स्नैपड्रैगन का गोल्ड GPU के साथ जिसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही खास होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं ऑनर के तरफ से, ऑनर के तरफ से एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है जो छोटा है वन हैंड यूज़र के लिए और जिसका नाम होने वाला है ऑनर 10e और ये आएगा 10,000 के नीचे में। नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं व्हाट्सएप के तरफ से, व्हाट्सएप ने लॉन्च करने नए फीचर्स, व्हाट्सएप लॉक्ड फीचर्स, ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा आप फिंगरप्रिंट से, आप इसको ऑथेंटिकेट कर लीजिए आपको पास बीटा प्रोजेक्ट है तो। नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं रियलमी के तरफ से, रियलमी 3 प्रो लॉन्च होने के पहले इसको लीक हो चुका है और इंटरनेट दुनिया में छा भी गया है, क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, क्या है इसका प्राइस, ये भी लीक हो चुका है। 13,000 में इसका बेस वेरिएंट मिल जाते हैं, 19 अप्रैल इसका ब्लाइंड ऑर्डर हो चुका है, आप इस ब्लाइंड ऑर्डर कर चुके हैं तो बताना जरूर कमेंट में और अभी भी सोच रहे हैं आप इसको ऑर्डर करना चाहिए और नहीं चाहिए। दोस्तों पिछला वीडियो में Redmi Note 7 Pro को साथ डिटेल कंपेयर कर चुका हूं, आप चाहे तो ऊपर वाला लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं
कौन सा फोन आपको लिए है? बहुत सारे दोस्त ने पूछा है आपका सेटअप क्या है। दोस्तों मेरा जो सेटअप है इसका खरीदने का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और बहुत सारे दोस्त ने पूछा है मेरा जो बजट है इस बजट में कौन सा फोन सबसे बेस्ट है, तो आपको बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो इधर से खरीद सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।